हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि, उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। वश में कर ले जो योगी वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी वो इसी रथ से अनंत को जाए।
इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेव, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा।